हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो बहुत रेयरली होती है, मगर जिसे होती है वही उसका दर्द समझ सकता है। हिकफ्स, हिचकी। कितनी प्रॉब्लम होती है जब ये लगातार, एक बार आए दो बार आए तो ठीक है, मगर जब लगातार आती है तो बहुत परेशान करती है। तो आज हम जो 10वें रीज़न की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बर्नेट उसी में बता रहे हैं कि किस तरह से हिकफ्स के लिए होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं वो मास्टर हीलर होते हैं। वार्तालाप है ये डॉक्टर बर्नेट और उनके एक फ्रेंड के बीच में है, जिसमें उनके फ्रेंड कहते हैं कि आप मास्टर हीलर होने की बात करते हैं, तो होम्योपैथ की जो मास्टर हीलर का कंसेप्ट है वो बहुत कम जगह तक लिमिटेड है और हर बीमारी में लागू नहीं होता है। तो डॉक्टर बर्नेट उनको जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ डॉक्टर। वो उसी में हिकफ वाले केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हिकफ जो होता है, वो बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि आप अपने क्रॉनिक जो पुराने साथी हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, चूंकि आप नए हो तो जो पुराने साथी हैं आप उनसे जानेंगे कि जो क्रॉनिक हिकफ होता है उसको ट्रीट करना कितना डिफिकल्ट होता है। सो तो आप उनसे किसी से बात करें और मैं आपको बताता हूँ एक हिकफ के केस के बारे में, जिसमें एक 33 इयर्स की यंग लेडी थी जिसे बहुत हिकफ होता था। लगभग एक बार अगर एपिसोड स्टार्ट हो तो आधे घंटे तक हिचकी चलती रहती थी, और उस आधे घंटे को एक बार में आधा घंटा, और ऐसा दिन दिन भर कई बार हिचकियां चलती थी और बिल्कुल बहुत परेशान थी बहुत समय से, और कोई ट्रीटमेंट लागू नहीं हो रहा था। तो किसी ने होम्योपैथी के बारे में सजेस्ट किया और वो डॉक्टर बर्नेट के पास ट्रीटमेंट कराने आए। तो डॉक्टर बर्नेट ने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जब केस लिया तो उसमें उन्होंने ये देखा कि ही वॉज हैविंग हिकफ्स तो हैं, उसके साथ में कॉन्कोमिटेंटली ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम थी, सफ़ेद पानी जाना, मेंसेस में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, पेनफुल। इसके अलावा उनको वैक्सीनेशन और वैक्सीनोसिस की हिस्ट्री थी, कि जिसमें डॉक्टर बर्नेट का जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है कि वैक्सीन के कारण कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, तो उन्होंने उसको बेस बनाते हुए सबसे पहले उसे थूजा दी एज अ एंटीडोट फॉर वैक्सीन के कारण अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है या यूट्रस से रिलेटेड है कुछ चीज़ें, तो थूजा देने के बाद में उनको पेशेंट को आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस केस का रिव्यू किया और ल्यूकोरिया की एक मेन मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सीपिया, वो उन्होंने उसको ग्राउंड बनाकर दी, मगर सीपिया से भी आराम नहीं हुआ। तो अब समय था कि डॉक्टर बर्नेट जो हैं वो डॉक्टर हैनीमैन के कोर्ट में जाते हैं, उनको याद करते हैं और फिर से केस को रिव्यू किया डॉक्टर बर्नेट ने और सिम्टम्स कलेक्ट किए, तो देखा कि पेशेंट वॉज थर्स्टी, बहुत प्यास लग रही थी, टंग कोटेड थी, वाइट कोटिंग ऑन द टंग, बहुत खट्टी डकारें आना, और इसके अलावा यॉनिंग, नंबर ऑफ यॉनिंग्स वॉज देयर, बहुत उबासियाँ आती थी, उसके साथ में हिकफ्स था, बहुत वीकनेस फील होती थी लोअर लिम्स में, बहुत एकदम थकान लगती थी। और जब इसकी टोटालिटी ली तो देखा कि द मेडिसिन वॉज साइक्लामिन। अब हम जाते हैं, डॉक्टर बर्नेट उसको लेके जाते हैं टू द कोर्ट ऑफ सिमिलिमम, ये सिमिलिमम है तो श्योरली इसको एक्ट करना चाहिए। सो डॉक्टर हैनीमैन के मटेरिया मेडिका प्यूरा के अनुसार उसको साइक्लामिन देते हैं, थर्ड पोटेंसी देते हैं। कुछ समय बाद जब फॉलोअप करते हैं तो वह उसको आराम मिलता है, और अब पर क्योर नहीं हुआ है, अभी उसको कुछ आराम है मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है पेशेंट। सो वो पोटेंसी चेंज करते हैं, पोटेंसी चेंज करने में वो सेकंड डाइल्यूशन पे आते हैं, मगर सेकंड डाइल्यूशन से कोई आराम नहीं। फिर उसको स्विच करते हैं तो थर्ड पोटेंसी, फिर थोड़ा आराम होता है मगर ठीक नहीं हुआ है। उसको ठीक करने के लिए वो वापस लौट कर आते हैं फर्स्ट पोटेंसी पे, फर्स्ट पोटेंसी के बाद फिर थोड़ा आराम होता है। इसी तरह से वो कंटिन्यू उसको बढ़ाते हुए 30th पोटेंसी तक ले जाते हैं और वो पेशेंट क्योर होता है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। थोड़ा सा समय डॉक्टर को प्रॉपर देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय पेशेंट को प्रॉपरली देना पड़ेगा, और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेडिसिन करेक्ट है तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सो दिस वॉज हाउ द हिकफ क्योर्ड, और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डॉक्टर बर्नेट ने और हम लोगों ने ठीक किए हैं अपनी प्रैक्टिसेस में। हिकफ्स, क्रॉनिक हिकफ्स आर वेरी वेल ट्रीटेड बाय होम्योपैथी। ऐसे ही इसीलिए डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि मैं इसको अपने 10th रीजन के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, कि आप इसको एक्सेप्ट करें, क्यों होम्योपैथी अपनाना चाहिए। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि हम होम्योपैथी की जो एक लीगेसी है, जो पब्लिक को एक नेचुरल हीलिंग मिलना चाहिए वो मिलती रहे। सो हम लोग साथ में रहेंगे। कीप इन टच। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।